हेलो डियर स्टूडेंट्स, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया चल रही है। तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है? बोर्ड के लिए लगे रहिए, अपने एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। बट कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट तक का वेट करते हैं, लास्ट तक मतलब एक महीना बचा, चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि 10 दिन का वेट करते हैं, लास्ट के 10 दिन में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? लास्ट के 10 दिन में तो गारंटी नहीं देता, बट जितना अभी टाइम बचा है तो उतना में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें लाया हूँ, मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं उन चीज़ों पर आता हूँ मैं, ठीक है? आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो जितने मार्क्स आपने सोचे हैं उससे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे वो रिजल्ट के टाइम पर आपको पता चलेगा ये क्या हो गया, ठीक है? उसी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को। चलो पहला तो हम लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ कि आप लोग क्या करो इन चीज़ों के, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे। सबसे पहला है टाइम टेबल आपको बनाना होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम टेबल बनाना होगा। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता जितना आपको देना होता है। कि आपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम दे दिया या फिर आपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पर आपने कम टाइम दिया क्योंकि आपको आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपको चाहे वो कितना भी हार्ड हो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपको, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो कि मुझे सब आता है छोड़ने, इसमें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स हो गया, ठीक है, आपका फिजिक्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपके कोई भी न्यूमेरिकल आपके सब्जेक्ट हो गए, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आपको कितना भी ईजी चैप्टर हो चाहे वो कितना भी हार्ड चैप्टर हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। और थ्योरी सब्जेक्ट में आपको टाइम देना अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है कि हम आगे के लिए आप छोड़ सकते हो कि आगे हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट को आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? अब ये भी नहीं है कि हम कम 10-15 मिनट देंगे और थ्योरी वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा टाइम आपको थोड़ा एक्सटेंड करना होगा, आपको बढ़ाना होगा, बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है थ्योरी वाले सब्जेक्ट की, कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि आप कई बच्चे होते हैं कि यार ये थ्योरी सब्जेक्ट है मुझसे तो याद होगा ही नहीं, बड़ी प्रॉब्लम होती है याद करने में, आज याद करूंगा 2 दिन बाद भूल जाऊंगा, एग्ज़ाम आएंगे तब मैं भूल जाऊंगा, मैं क्या करूंगा ऐसा कि मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट याद हो जाए, ठीक है? इसके भी तरीके हैं याद करने के, बस वही है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको टाइम टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल आपको बनाना है, टाइम टेबल आपको किस तरह का बनाना है कि आपको जितने भी आपके ऐसे सब्जेक्ट जैसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं बिल्कुल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग के लिए आपको रखने हैं। जैसे कि ये नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को कि सुबह 3 बजे उठ के पढ़ो या 4 बजे उठ के पढ़ो, जितनी अर्ली आप उठ सकते हो मॉर्निंग में, जितनी अर्ली मतलब कि जो भी आपका टाइम है, जैसे कि 8 बजे आप अगर उठते हो तो 6 बजे उठ जाओ भाई, अगर 6 बजे उठने का टाइम है तो 5 बजे 4 बजे उठ जाओ, करो तो प्रैक्टिस, उठ जाओगे, ठीक है? एक बार जब हो जाएगा ना थोड़ा सा उठने का और रूटीन बन जाएगा आपका, फिर मज़ा आने लगेगा पढ़ाई करने में। क्योंकि जब पढ़ाई के अंदर घुस जाओगे ना और थोड़ा से खेल की तरह लोगे तो वो मज़ा ही अलग होगा। और जब आपको पढ़ाई में सक्सेस मिलेगी, बस वही है ना, जैसे पैसा पैसे को खींचता है और वैसे ही सक्सेस सक्सेस को खींचती है, ठीक है? जैसे आप सक्सेस होते रहोगे, आप मोटिवेट होते रहोगे, ठीक है, आपके पीछे दूसरी सक्सेस आपकी वेट कर रही होगी। चलो देखते हैं किस तरह से आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में वही आपको थ्योरी सब्जेक्ट आपको उठाने, आपको पहले गोल डिसाइड करना होगा कि आपका गोल क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गोल डिसाइड करते हो कि चलो, गोल का मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि 10 दिन या फिर आपके 1 महीना बचा है तो 100 मार्क्स का गोल बना लेता हूँ, ठीक है, बना लो कोई दिक्कत नहीं अगर आप कर सकते हो। मतलब एक चीज़ है ना पॉजिटिव थिंकिंग, एक थिंकिंग भी तो मैटर करती है। अब अगर आपने सोच लिया ना कि आपको मार्क्स लेकर आने हैं 90+ मार्क्स लेकर आने हैं या 95+ मार्क्स लेकर आने हैं, अगर आपने सोच लिया अपने माइंड में अपने दिमाग में आपने बिठा लिया तो आप कर लोगे, आप कर सकते हो। बट अगर वही है ना कि आपने सोच रखा है कि अरे यार नहीं यार 100 मार्क्स पूरे साल भर में मैं प्रैक्टिस करके नहीं ला सकता, मैं 1 महीने में क्या कर लूँगा, मैं ऐसा कौन सा सूरवीर आ गया कि 1 महीने में 100 मार्क्स लेकर आ जाएगा। बस वही है, सोच पर डिपेंड करता है, क्यों नहीं आ सकते 100 मार्क्स, बहुत ईजिली आ सकते हैं आपके 100 मार्क्स, 1 महीने में भी आ सकते हैं 100 मार्क्स, ठीक है? करो प्रैक्टिस, सोच अपनी बदलो, सोच थिंकिंग पॉजिटिव अपने लेकर आओ कि हाँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अपने जब दिल में अब इच्छा होगी तभी तो आप कर पाओगे, अब जब इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे कर पाओगे, ठीक है? आपको अपने सोच बदलनी है, आपको गोल डिसाइड करना है। आपने चलो अपने गोल डिसाइड करा कि मुझे 95+ मार्क्स लेकर आने, तो 95+ मार्क्स आपके कैसे आ जाएंगे? इतना ईजी थोड़ी ना है 95+ मार्क्स स्कोर करना, ठीक है, बट ईजी बनाया जा सकता है, बट कैसे, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क, बस आ गए 95+ मार्क्स,
वो स्मार्ट वर्क कैसे होगा। चलो एक गोल डिसाइड कर लिया आपने, जैसे कि आपने बोला कि आपने 95 प्लस मार्क्स आपने डिसाइड करे कि मुझे 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब ये तो बहुत बड़ा गोल हो गया ना, आपको लग रहा है बहुत बड़ा गोल है, अब उसको छोटे छोटे गोल में बदलो ना, छोटे छोटे गोल्स में आप पार्ट में डिवाइड करो, वीकली गोल बनाओ, वीकली के बाद आप पर डे गोल बनाओ, पर डे में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपको क्लियर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर मुझे अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। आपने चलो आपने डेली के गोल बना लिया, आपने वीकली गोल बना लिया, ठीक है। अब आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट आपको सबसे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठाने हैं, जैसे आप उसमें बोर होने लग जाओगे फिर न्यूमेरिकल आपको सब्जेक्ट आपको उठाना होगा, फिर आपको फिर थ्योरी में आना होगा, ठीक है। आप क्या हो, जैसे भी आपने टाइम टेबल आपने बनाया, आपने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप बना लोगे, चाहे जितना भी, मतलब मैं टाइम टेबल कैसे बना के दूं, मैं तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपका टाइम टेबल आपको पता होगा कि आपका बिजी शेड्यूल आपका क्या है, कब आपका स्कूल का टाइम है, कब आपका कोचिंग का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल आप बनाओगे, ठीक है। जब टाइम टेबल आप फॉलो करोगे, जैसे पर डे, जैसे एक दिन पहला दिन आपने उसका टाइम टेबल का आपने फॉलो करा, ठीक है, नेक्स्ट डे उस जो पहले दिन आपने जो करा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसको गो थ्रू करो जो आपने पहले दिन आपने करा था, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से क्या करना है, उसको टॉपिक को रिकैप करना है कि आपने देखा, देखना है कि आपको पहले दिन आपने क्या करा, वो सारा आपका आपने जैसे टॉपिक को देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि पहले दिन मैंने क्या पढ़ाई कराई, क्योंकि क्योंकि वो एक ही दिन पहले तो आपने करा है, आपका सारा दिमाग में आपको दोबारा रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा वो आपको सेकेंड डे की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, फिर आएगा थर्ड डे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो आपने करा वो थर्ड डे आप रिवाइज करो, थर्ड डे में आपको देखना है, फिर थर्ड डे की जो अपने स्ट्रैटेजी अपने बनाई है, जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर फोर्थ डे आएगा, वही तीनों दिन का आपको रिकैप करना है, फिर फोर्थ डे की आपको आपको स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको छः दिन आपको ये फॉलो करना है। सातवें दिन आपको क्या करना है, जितना भी आपने पूरा पूरे वीक आपने प्रैक्टिस करी, जिसके आपने आपने लर्न करे थ्योरी वाले सब्जेक्ट अच्छे से प्रैक्टिस करी या याद करे, तो उसको आपको सेल्फ टेस्ट लेना है, अपना खुद का एक सेल्फ टेस्ट लेना है कि कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़े, क्या वो मुझे क्लियर हो गए या नहीं क्लियर हुए, उसका रिटर्न टेस्ट लो अपना खुद का। एक टाइम सेट गोल डिसाइड करो, टाइम सेट रखो अपना कि उस टाइम में मुझे इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं जो कितना क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए और मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, जो मैं टाइम डिसाइड कर रहा हूँ क्या मैं उस टाइम पर मैं अपना अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो थ्योरी या फिर जो भी मैंने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के मुझे आंसर देने के तरीके हैं या किस तरह से मुझे आंसर देना है, मैं क्या उनके आंसर उसी तरीके से मैं दे पा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि आप याद तो कर लेते हो बट वही है ना, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जाम के टाइम में लिख नहीं पाते। क्या होता है कि आप याद कर लिया, चलो दो तीन लाइन आपने लिख ली, उसके बाद अरे यार मुझे तो ये सब्जेक्ट मुझे आता था, ये मुझे क्वेश्चन अच्छे से आता था, बट क्या हुआ मुझे तो दो ही लाइन आई, दो लाइन के बाद तो मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या लिखना है। यही होता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपने उसका रिटर्न टेस्ट आपने खुद का नहीं रखा। जब आप रिटर्न टेस्ट रखोगे आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या हैं, आप अपनी जो मिस्टेक्स जो हो रही हैं, अपने जो लिखने में मिस्टेक्स हो रही है या याद करने में जो मिस्टेक्स हुई है, जो फर्स्ट वीक में आपने पूरे फर्स्ट वीक में जो मिस्टेक्स करी हैं, सेकेंड वीक में उस मिस्टेक्स को रिड्यूस करो, और वो मिस्टेक्स को जो अपने रिटर्न में जो करा है उसको गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। चलो इसी तरह से आपको गोल्स को फॉलो करना है। अब बात आ रही है कि पढ़ाई कैसे करनी है, अब क्या एक हफ्ते चार हफ्ते जो भी बचे हैं उन चारों हफ्तों में सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी पढ़ाई करनी है, या चारों सारी बुक्स पूरी बुक जो हमें स्कूल वालों ने रेफर करी है क्या वो सारी बुक हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले क्या करना है आपको असेंबल करना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको याद करना है, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है, और एनसीईआरटी आपको चार्ट देनी है। एनसीईआरटी चार्टने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरे अंदर का मैटर भी आपने चार्ट लिया, एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है, मतलब वो मस्ट हैं कि आपको उसे करने ही करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आपने जो मैंने बोले हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है, किस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक आपको उठाने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही उठाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही उठाने हैं, और जितना भी हमने डिसाइड करा है कि किस तरह से स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट करनी है, वीकली गोल बनाने, पर डे गोल बनाने, उनको फॉलो करना है,
ठीक है, को क्या क्या हमने डिस्कस करा, हम लोगों ने डिस्कस करा सबसे पहले कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, कि ये नहीं कि मैं कभी कभार क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप नेगेटिव हो जाते हो, तो फिर आपको क्या करना है, अपने आपको मोटिवेट करने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, या ऐसा कोई भी आपके घर में कोई होता है जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, आपको उसके पास जाना है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा उससे मिलकर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोटिवेशनल वीडियो, अगर आप कोई नहीं है तो मोटिवेशनल वीडियो देख लो, पर डे देख लो कि आपको 10-15 मिनट अगर आपने देख ली, ठीक है, आप उससे क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे थोड़ा सा, ये भी नहीं कि आपने एक दिन देख ली और बाकी आप एक दिन मोटिवेट हो गए फिर क्या होता है कि नहीं छोड़ना, एक दिन टाइम टेबल फॉलो कर लिया फिर आप फॉलो कर ही नहीं रहे, डेली डेली रूटीन वाले में आ गए आप, ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो जब आप इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। आगे भी मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक, किस तरह के टॉपिक्स कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।